ऐसा बहुत कम ही दिखाई देता है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सदस्य अब्राहम के वीजा को रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया, वह भारतीय राजनीति के उस मजबूत पक्ष के बारे में बहुत कुछ बताता है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। अब्राहम कश्मीर मामलों पर बनी ब्रिटेन की संसदीय समिति की अध्यक्ष हैं और भारत विरोधी रुख अपनाने के लिए जानी जाती हैं। पिछले दिनों वह जब कारोबारी वीजा पर भारत आई तो उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया क्योंकि सरकार ने तब तक उनका वीजा रद्द कर दिया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के इसी फैसले का स्वागत किया है। भारतीय राजनीति में कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले कुछ दिनों से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में उलझे हुए हैं। सरकार के तमाम कदमों की कांग्रेस ने संसद और उसके बाहर लगातार आलोचना की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इसी कश्मीर का मसला विश्व मंच पर आता है तो देश के सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े हो जाते हैं। यही अतीत में भी हुआ है और यही अब भी हो रहा है। दरअसल देश के भीतर जब कश्मीर पर बहस चलती है तो यह घरेलू राजनीति के मत और मतांतर की बात होती है जिसमें भाजपा और कांग्रेस के विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई मुद्दा उठता है तो वहाँ मामला भारत की विदेश नीति का होता है, यहाँ के राजनीतिक दलों के मतभेदों का नहीं। यह अच्छी बात है कि राजनीतिक दल इस मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन यही एक सवाल महत्वपूर्ण है कि अब्राहम भारत क्यों आना चाहती थी। उनके भारत दौरे का विस्तृत कार्यक्रम अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ। इतना भर ही बताया गया है कि वह एक निजी यात्रा पर भारत आ रही थी, लेकिन कोई कारोबारी वीजा लेकर निजी यात्रा पर आए यह एक अजीब लगने वाली बात तो है ही। जिस तरह से वह पाकिस्तान समर्थक राजनीति करती रही है और पिछले कुछ समय से कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ सक्रिय हैं, उनके इस दौरे को कश्मीर से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता था। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर जिस तरह से कूटनीतिक सक्रियता दिखाई है उनके दौरे को उससे भी जोड़कर देखना होगा। पिछले दिनों तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में जिस तरह से कश्मीर का मसला उठाया भारत के कान उसी से खड़े हो गए थे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को आमंत्रित करके कश्मीर का मसला उठाया। अब्राहम के भारत आगमन को इसकी अगली कड़ी के तौर पर देखा जाएगा। चंद रोज बाद ही ट्रंप का भारत दौरा होने वाला है। जाहिर है कि पाकिस्तान की मंशा उससे पहले कश्मीर मसले को फिर एक बार गर्मा देने की है। अच्छी बात यह है कि भारत ने इस चुनौती को समय रहते ही समझ लिया। ज़रूरत अब यह है कि भारतीय राजनयिक स्तर पर ही पाकिस्तान को करारा जवाब दे। इस मसले पर देश के भीतर बनी राजनीतिक आम सहमति सरकार की बड़ी ताकत बन सकती है।